अहम खबर आप तक पहुंचाए। आसिफ जरदारी की फ्रंट कंपनी के डायरेक्टर इकबाल खान नूरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इकबाल खान नूरी ने नेशनल बैंक से 1.5 अरब रुपए कर्ज लिया, ये कहना है नैब जराए का। तो आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। आसिफ जरदारी की फ्रंट कंपनी के डायरेक्टर इकबाल खान नूरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। नैब जराए का कहना है कि इकबाल खान नूरी ने नेशनल बैंक से 1.5 अरब रुपए कर्ज लिया है। मुल्जिम ने कंपनी के लिए गैर कानूनी तरीके से पैसों में इजाफा भी किया है। आसिफ अली जरदारी की फ्रंट कंपनी के डायरेक्टर इकबाल खान नूरी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी के हवाले से नाब का बताना है कि इकबाल खान नूरी ने नेशनल बैंक से 1.5 अरब रुपए कर्ज लिया था। इसकी तफसीलात जान लेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, नैब ने गिरफ्तारी अमल में लाई है जाली अकाउंट्स केस में। जो पर्सन ऑन कंपनी, जो मुबैना तौर पर फ्रंट कंपनी है आसिफ अली जरदारी की, पास ने इन कंपनी की, उसके डायरेक्टर इकबाल खान नूरी को गिरफ्तार कर लिया है और अब एहतसाब अदालत में से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है। और नैब का ये मौकफ है कि पर्सन ऑन कंपनी जाली अकाउंट स्कैंडल में भी मुलविस है और आसिफ अली जरदारी की जो पास ने इन कंपनी है उसके लिए काम करती थी, नेशनल बैंक से 1.5 अरब रुपए का कर्जा लिया, जो बाद में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से पैसों में इजाफा किया और करप्शन के पैसे भी इसमें शामिल किए और 3 अरब रुपए का इस अकाउंट में मुंतकिल किए गए कार्सिनोन कंपनी की और फिर कैश विड्रॉ की गई। और ये तमाम सर जो कारोबारी लेन देन था ये जाली अकाउंट के जरिए किया गया और अब नैब ने बाकायदा तौर पर 14 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है इकबाल खान नूरी का। और ये कहना है कि जो पाक लेन कंपनी का केस है जाली अकाउंट केस में, उसमें ये बहुत अहम गिरफ्तारी है क्योंकि ये पार्टनर कंपनी ही वो मेन कंपनी थी जो आसिफ अली जरदारी की पाक लेन कंपनी के फ्रंट कंपनी के तौर पर काम करती थी। अब इकबाल खान नूरी को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है।